नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये जबलपुर आधार ताल से पनागर सिहोरा की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग है, जहां पर नवीन मार्ग का निर्माण चल रहा है। लेकिन बीती रात अचानक ये बिल्कुल जो रोड का मुख्य स्ट्रक्चर है, जो पुरानी रोड का स्ट्रक्चर है, वो ढह गया है। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ख़राब यहाँ पर दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये एक मुख्य मार्ग है, और जिस तरीके से ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर एक लोग इस जगह पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करके इस स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार काज। तो आप यहाँ ये जो पुलिया निर्माण चल रहा है, तो इस पे कार्य कर रहे हैं या आसपास के लोग? मैं देखने आया हूँ जी, मैं देखने आया हूँ। मैं कोई निर्माण नहीं कर रहा है, यहीं रहता हूँ आधार जी में, तो देखने आया हूँ इधर। तो ये मार्ग जो है तो कहाँ से कहाँ तक के लिए जाता है? ये सीधे आधार ताल से कटनी के लिए जाता जी है। कटनी का मुख्य मार्ग है ये? हाँ, कटनी वैसे बाईपास है, पर ये शहर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, लेकिन ये मार्ग ढहने की वजह से स्ट्रक्चर भी बुरी तरीके क्षतिग्रस्त हो गया है। काम तो चला ही रहा था, पर वो काम चालू के दौरान ढह गया ये। जी, तो क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे का? इसमें कोई कारण नहीं हो, तो काम है, होना है जो हो रहा है, पर वो काम करते करते हो गया है, तो क्या करेंगे इसको? लेकिन जिस तरीके से अभी तक कोई डायवर्जन मार्ग यहाँ पे नहीं निर्मित किया गया था, तो ऐसे में तो अगर वाहनों के चलते समय अगर हादसा हो जाए, तब तो फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी? नहीं, बना रहे हैं, डाइवर्सन बना रहे हैं। शासन अपने स्तर से काम कर रहा है जी। क्या है, जब ये अचानक रात में ढहा है ना जी, तो सुबह बहुत ज्यादा जाम लग गया था जी, इसलिए तत्काल में मतलब ये निर्माण कार्य जी, डाइवर्सन वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर कोई शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी या ठेकेदार? सुबह सभी थे, नगर निगम का अमला था, पुलिस प्रशासन था जी, सभी लोग थे यहाँ जी। और डाइवर्जन का मार्ग? हाँ, डाइवर्सन का निर्णय लिए, और उन्होंने तुरंत झाड़ कटवाए जो रोड में आ रहा था, और ये मिट्टी की पुराई वगैरह हो रही है, डाइवर्सन का निर्माण हो रहा है। कितने वक्त की रात की घटना रही होगी? ये तो हम सुबह जब घूमने टहलने निकले हैं तब देखे, अब रात में कितनी टाइम हुआ ये तो नहीं मालूम जी। तो आइए हम मुख्य रोड की तरफ ऊपर की ओर चलेंगे और वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन वास्तव में ये रोड काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसके बगल में डायवर्जन मार्ग बनाया जा रहा है, जिसको हम अभी आगे चल के आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ऐसी सड़क निर्माण की जाए जो मुख्य सड़कें हों, तो उस दौरान ये भी चीज़ होनी चाहिए कि डायवर्जन मार्ग भी निर्मित कर लिया जाना चाहिए था। क्या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ वाहनों का दबाव काफ़ी मात्रा में है। हम प्रशासन के साथ साथ आप जनमानस से भी ये उम्मीद करते हैं कि जैसे कि ये जो पुल है वो हादसाग्रस्त हुआ है, तो इसलिए इस मार्ग से आवागमन से थोड़ा बचने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। यह प्रशासन के साथ साथ एक आम जनमानस होने के कारण हमारी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम ऐसे समय में प्रशासन का सहयोग करें और प्रशासन द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइंस का पालन करें। तो कितने वक्त ये जो है तो पुल धसा? लगभग शाम के टाइम में, बहुत 10-10:30-11 बजे की बात, रात के टाइम। तो उसके बाद इसको मार्ग को रोका नहीं गया? मार्ग को रोका जा रहा है और व्यवस्था करी जा रही है, पुलिस प्रशासन द्वारा भी थोड़ी सुविधाएं कम आई है जी। और लगातार हम लोग, हमारी टीम काम कर रही है इस विषय में कि अब हम इसे कैसे बंद करें और जल्दी जल्दी ट्रैफिक खोलें। ये क्या 100 साल पुराना ब्रिज था और ये जर्जर हो चुका था जी। इसकी वजह से प्रशासन द्वारा हमें जल्द से जल्द पुल बनाने का कहा गया कि जल्द पुल बनाया जाए, और हमारी तैयारी बस फटाफट चली रही थी कि सीवेज में ये क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन एक चीज़ हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि ये मार्ग क्षतिग्रस्त अभी हुआ है, अब जो है तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए साइड से जो है तो आप लोग बनवा रहे हैं, लेकिन ये चीज पहले क्यों नहीं आप लोगों ने करवाई? नहीं, ये हमारे अंडर में नहीं था कि जल्दी ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ये हो जाए ऐसी कोई इस हादसे का ऐसा शिकार हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्या है कि ऑलरेडी ये मार्ग चालू था, और जिससे कोई कुछ समस्या, किसी परेशानी का आवास भी नहीं था, समस्या भी ऐसी नहीं थी। ये तो अचानक दुर्घटना हुई है, और अचानक नेचुरल तरीके से दुर्घटना हुई है, तो इसमें तो किसी ने जाना नहीं था कि मतलब ऐसा हो जाएगा या हो सकता है प्रॉब्लम, तो ये वैकल्पिक मार्ग तो देना पड़ेगा जी। तो अब वैकल्पिक मार्ग जो तो बनाया जा रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं कई भारी वाहन भी गुजर रहे हैं। भारी वाहन को तो रोक दिया गया है, भारी वाहन हम लोगों ने काफी रोक दिया गया है, पर व्यक्ति मान नहीं रहे हैं, व्यक्ति परेशान कर रहे हैं कि भाई वो अपने आप खुद डिवाइडर से खोल दे रहे हैं,
हमारी टीम पूरा काम कर रही है कि हम किसी प्रकार की समस्या दुर्घटना से दुर्घटना ना हो, इसलिए हम लोग पूरा जितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कल रात से लगे हुए हैं 3 बजे से, और हमारी पूरी टीम, मेरी पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पर, और हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर करके और हम जल्द से जल्दी खोल सकें और एक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जब तक ये वैकल्पिक मार्ग नहीं बन पा रहा है, तो अगर जो यात्री इस मार्ग को छोड़ना चाहते किसी दूसरी तरफ जाना चाहे, तो फिर वो कहां से जा सकते हैं? हमने डायवर्शन जो दिया हुआ है वो कृषि विद्यालय के अंदर से दिया हुआ है, जो यहाँ से एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंदर से हमें वैकल्पिक मार्ग गेट नंबर 1 और सुहागी से दूसरे मूव कर दिया गया। इसके बाद डायवर्शन मार्ग होने के बावजूद भी पब्लिक मान नहीं रही है, व्यक्तिगत किसी के ऊपर से जा रही है। और हम भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ये मार्ग क्षतिग्रस्त है, इसकी वजह से जो डाइवर्जन मार्ग है एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के भीतर से, वहाँ से आप जा करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दबाव बढ़ रहा है यातायात वाहनों का, ये पुल दोबारा फिर कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो प्रशासन और जो ये कर्मचारी हैं इनके कार्यों का सहयोग प्रदान करें और कोशिश करें कि इस मार्ग से ना गुजर करके डाइवर्जन मार्ग का प्रयोग करें, जब तक ये वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जा सकता है। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।